ये पट्टा बनाने के लिए हम बताएंगे कि आपको कि ये पट्टा किस तरह से आप बनाएंगे। पट्टा बनाने के लिए सबसे पहले आप चैन बनाएंगे, जितना लंबाई आपका गेट हो इस तरह से आप चैन बना लें। हमने इतना बना लिए हैं, इस तरह से आप चैन बना लें। अब जो है हर एक चैन में आप एक एक क्रोशिया बना इस तरह से, एक एक चैन छोड़ के दूसरा चैन में एक एक क्रोशिया बनाते जा। ये देखिए हमने एक चैन छोड़ दिए हैं, दूसरे चैन में एक क्रोशिया लिए, फिर एक चैन छोड़ के दूसरे क्रोशिया में इस दूसरे चैन में आप एक क्रोशिया लें। इस तरह से आप पूरा लाइन कंप्लीट करें। ये देखिए आपको इस तरह से बनता चला जाएगा। ये देखिए हमने चैन में एक एक क्रोशिया बना लिए हैं, एक एक चैन छोड़ के एक एक चैन में क्रोशिया डाल के इस तरह से हमने एक लाइन बना लिए हैं। इस तरह से देखिए आपको जितना लंबा चाहिए पट्टा उतना लंबा बना लें। एक लाइन बनाने के बाद में हमने देखिए दूसरा कलर का ऊन लगाया है, हमने पिंक कलर का ऊन लगाया है। आपको जो भी कलर अच्छा लगे आप लगा सकते हैं। और दूसरा लाइन देखिए आप किस तरह से बनाइएगा। देखिए हर एक क्रोशिया में आपको दो दो क्रोशिया बनानी है। देखिए हर एक क्रोशिया में आपको दो दो क्रोशिया बना लेनी है। इस तरह से हर एक क्रोशिया में दो क्रोशिया बनानी है। इस तरह से आप पूरा लाइन कंप्लीट कर ले। दूसरा लाइन जो है बनता चला जाएगा, पूरा लाइन इस तरह से बना ले। मैं दो दो क्रोशिया करके इस तरह से पूरा लाइन बना लिए हैं। अब दूसरा लाइन किस तरह से बनाना है हम बताएंगे आपको। ये देखिए लास्ट में जो है हमें एक क्रोशिया में दो क्रोशिया लेनी है। ये देखिए हमने दूसरा लाइन में हर एक क्रोशिया में दो दो क्रोशिया लिए हैं, तो तीसरा लाइन में भी उसी तरह से लेंगे। हर एक क्रोशिया में हमें दो दो क्रोशिया लेनी है। ये देखिए हम ले रहे हैं, फिर आप दो एक दो क्रोशिया जो लिए हैं उसके बीच में नहीं लेनी है, दो क्रोशिया के बगल में हमें दो क्रोशिया लेनी है। इस तरह से आप पूरा लाइन बना लें कि हमें तीसरा लाइन में भी दो दो क्रोशिया लेनी है, दो क्रोशिया के बीच में नहीं लेनी है, दोनों क्रोशिया के बगल बगल में हमें दो दो क्रोशिया लेनी है। इस तरह से आप पूरा लाइन कंप्लीट करें। ये देखिए इस तरह से आपको पूरा लाइन बनानी है। क्रोशिया के बीच में हमें कहीं भी चैन नहीं लेना है, चैन नहीं लेना है इसमें। इसी तरह आप बनाते चले जाएं। ये देखिए हमने पहले बनाए थे एक लाइन, इसके बाद में फिर हमने दूसरा कलर का दो लाइन बनाया है, उसके बाद फिर हम येलो रंग लगाए हैं। हर एक क्रोशिया में हमें दो दो लिए हैं, क्रोशिया के बीच में नहीं लेनी है, क्रोशिया के बगल बगल में दो दो क्रोशिया लेनी है। इस तरह से पट्टा बन के तैयार हो गया। देखिए इस तरह से
ये देखिए आपका ये पट्टा जो है बन के अब तैयार हो गया है। अगर आप और भी चौड़ा बनाना चाहते हैं तो बना सकते हैं।